हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का डिस्कशन डायरेक्टली एक्सपेरेंट बेस से स्टार्ट होगा क्योंकि उसके पहले कोई भी रिलेवेंट मैटर नहीं एग्जाम में पढ़ने लायक। सबसे पहला अपडेट ये है, आपको पता होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है पीएमएलए, उसके अंतर्गत कुछ चेंजेस किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी दिया गया यहाँ पे। चेंजेस के बारे में आप चाहो तो रीड कर सकते हो, उसमें क्या की प्रोविजंस पूछ सकता है जो की चेंजेस किए गए हैं, तो ये बार रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ, पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ सकते हो। बट इसमें की चीज पढ़ने का जो ये है कि चेंजेस क्यों किया गया है। देखिए, चेंजेस इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लूपहोल्स है मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर, उसको प्लग करने का पर्पज है। अभी रिसेंटली इंडिया का प्रपोज्ड असेसमेंट होने वाला है बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल वॉचडॉग है उसके संग। तो इंडिया चाहता है कि ऐसे कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले पर्पज से जुड़े हुए लॉ है, प्रोविजंस है, इंस्टीट्यूट है, उसमें कोई लूप होल ना रह जाए, उसको इंश्योर करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। अब एक चीज होता है जिसका नाम है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। तो क्या है, जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस है उनको पीएमएलए के अंदर उनका डेफिनेशन हल्का ट्विक किया गया, ताकि 2008 का जो सर्कुलर है आरबीआई का केवाईसी नॉर्म्स का अंडर फॉर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसको मेंटेन किया जा सके। तो इस कारण से चेंजेस किया गया है। उसके बाद और डिटेल है वो जानना तो रिलेवेंट नहीं है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर चेंजेस का कुछ रिएक्शन रहा। सीएस, सीएस, सीडब्ल्यूएस और जितने भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स थे उनको इस चीज से काफी दिक्कत हुआ, उनका रिएक्शन यहाँ मेंशन किया है जो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये कुछ पार्ट आप रीड कर लीजिएगा एग्जाम, ये एक्सप्लेन पेज मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। एग्जाम में क्या इससे कंटेक्चुअल जानकारी से कुछ स्टेटमेंट बन जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली स्टेटमेंट बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर का, नहीं तो मेंस के अंदर इस पे 10 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, पर मनी लॉन्ड्रिंग भी बनेगा जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हो। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मणिपुर में जो सिचुएशन हुआ एथनिक वायलेंस वाला, अभी जो चल रहा है उसके अंदर गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। आपने इस एक्सप्लेन आर्टिकल में दिया हुआ है इस ऑर्डर का लीगल बेसिस क्या है, तो उसके हिसाब से देखिए कई प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 41-60 है, सेक्शन 149-152 है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एट द सेम टाइम सेक्शन 3A है अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसको हम लोग प्यार से आफ्सवा बोलते हैं, फिर साथ ही सेक्शन 76 है इंडियन पिनल कोड में। इन सारे सेक्शंस और प्रोविजंस के अंतर्गत बताया गया है कि शूट एट साइट कहाँ कहाँ पॉसिबल है और कहाँ का अलाउ किया जाता है। मेनली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट या ऐसा पर्सन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है और वो कंट्रोल में नहीं आ पाता, तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो कंट्रोल में रहे और सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे, उसके डिस्टर्ब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये लॉ को इन्वोक किया जाता है शूटर साइट वाले को। ये एक्सट्रीम केसेस में किया जाता है जब पर्सुएशन, वार्निंग, रीजनेबल फोर्स जितने भी सारे चीजें हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कोई सिचुएशन बचता नहीं है और हमें सिचुएशन कंट्रोल करना हो। ये कंटेक्स्ट आपको अवेयरनेस होना चाहिए क्योंकि देखिए ये एग्जाम में कभी स्टेटमेंट आ सकता है, चांसेस कम है प्रीलिम्स में आने का, बट स्टेटमेंट आ सकता है कि शूटर साइट ऑर्डर के बारे में कि कौन से लॉ के अंदर गिवन है। इसमें आपको कई लॉ के नाम दे सकते हैं, आपको चुनना पड़ सकता है, या फिर मोस्टली आपको इसका यूज आएगा एससी के अंदर आ सकता है, एक थीम ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर पे कोई क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको ये मेंशन करना पड़ सकता है। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि जयंतीलाल मोहनलाल पटेल वर्सेस एरिक रेनिसन एंड अनदर 1974 का। इसमें लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस को कोई अथॉरिटी नहीं दिया गया कि वो किसी को भी शूट करे ताकि वो कर्फ्यू ऑर्डर ब्रीच करे, तो ये शूट एट साइट ऑर्डर को रोकता हुआ जजमेंट है। एट द सेम टाइम एक वेस्ट बंगाल वर्सेज शिव मंगल सिंह, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को एक्विट कर दिया, मैंने रिहा कर दिया, जिसने दो डेड ब्रदर्स को शॉट किया था, टू जस्टिफाई द ऑर्डर गिवन बाय डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ऐसा करते हुए कोर्ट ने जो है आईपीसी का सेक्शन 76 पर रिलाई किया था। देखिए ये जजमेंट्स का नाम आप याद रख सकते हो, आप कोट कर सकते हो कि ये जजमेंट ने फेवर किया था, जजमेंट ने फेवर नहीं किया था, ये जानकारी आपके लिए रिलेवेंट हो सकती है स्पेशली इन मेंस। अब देखिए तीसरा आर्टिकल है इंडिया के फार्म एक्सपोर्ट्स के ऊपर। इंडिया के फार्म एक्सपोर्ट्स जो है पास्ट में लास्ट के डिकेड में काफी पॉजिटिव रहा है, बट रिसेंटली कुछ चेंजेस देखने मिले हैं। अपना एग्री एक्सपोर्ट्स जो मेनली है मरीन प्रोडक्ट्स, शुगर और राइस पे डिपेंडेंट है रिसेंट टाइम्स में, पर अभी जो ग्लोबल फूड प्राइसेस का दाम चेंजेस हो रहा है उसके वजह से अमला एक्सपोर्ट को फर्क पड़ रहा है। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है इंडिया का इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इन एग्रीकल्चर मेनली, और कैसे एक्सपोर्ट्स अपना घट रहा है और इंडिया का इंपोर्ट अभी भी कैसे हाई साइड में है, जिसकी वजह से इंडिया को फर्क पड़ रहा है नेट एक्सपोर्टर बनने में। अभी ग्लोबल प्राइसेस ड्राइवर के बारे में पहले डिस्कस किया गया है। इसमें जो यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, उसका फूड एंड प्राइस इंडेक्स आता है, उसके स्टडी के अनुसार बताया गया है कि ग्लोबल प्राइस कैसे की ड्राइवर रहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। फिर मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर्स इंडिया का क्या रहा है, जैसे कि मरीन प्रोडक्ट्स, राइस और शुगर, उसमें बताया। फिर मरीन प्रोडक्ट्स कैसे, राइस कैसे, राइस में बासमती राइस का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और जो इलीट राइस है उसका एक्सपोर्ट कम हो गया है, फिर कौन कौन से रीजन में हो रहा है, ये जानकारी आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट बन सकती है। फिर एक्सपोर्ट कहाँ पीछे रह गया, किस वजह से पीछे रह गया, वाला पार्ट उसमें कवर किया गया है, हाईलाइट कर दिया, आप रीड कर सकते हो। फिर इंडिया का जो इंपोर्ट प्रोफाइल है
वो मेनली डोमिनेटेड किया गया है वेजिटेबल ऑयल द्वारा। पहले इंडिया का जो डिपेंडेंस था पल्सेस पे वो काफी कम हो गया है, और अमला इम्पोर्ट्स और फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो हम लोग पहले नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे जैसे कि स्पाइसेस, कैश्यू और कॉटन, आप लोग वो इम्पोर्ट करने लगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस रहा है अपने एक्सपोर्ट का जिसके कारण हम लोग को फर्क पड़ रहा है। तो ये वाला आर्टिकल में ये पार्ट हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि मैंने बोला मैं टेलीग्राम ग्रुप में पेज शेयर कर दूंगा एक्सप्लेन वाला, इस पे आप ये वाला पार्ट रीड कर सकते हो। ये ग्राफ जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो ग्राफ देख के आप काफी कुछ समझ जाओगे। अब देखिए फॉरेस्ट फायर का बात हो रहा है, आपको पता है एनवायरमेंट में फॉरेस्ट फायर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर ऑस्ट्रेलिया या ड्राई डेजर्ट एरिया में ज्यादा होता है। तो इंडिया में गोवा में ये इंसिडेंट 40 बार देखा गया है पिछले साल में, तो इसीलिए ये इश्यू पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया कि गोवा में फॉरेस्ट फायर कैसे हो गया। तो आप लोग पहले समझना चाहोगे कि वेदर और फायर में क्या कॉम्बिनेशन है। आपसे पूछेगा फॉरेस्ट फायर क्यों होता है, आपको बताना चाहिए पॉसिबल रीजन क्या है कि वेरी लिटिल रेन हुआ गोवा में, जैसे हीट वेव लाइक कंडीशन बन गया और लो ह्यूमिडिटी है, अब समझ लिए पूरा ड्राई सिचुएशन और रेन भी नहीं हो रहा है, ऊपर से गर्मी बढ़ रहा है, तो ये आइडियल सिचुएशन है, तो ये आइडियल सिचुएशन है फॉर द फॉरेस्ट फायर टू इरप्ट। अब गोवा के पास क्या फॉरेस्ट फायर का हिस्ट्री है? देखिए ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं माइनर सरफेस फायर्स गोवा में देखे गए, पर जो क्राउन फायर्स है जो कि फ्रिक्शन ऑफ ट्रीज से पैदा होता है वो बहुत रेयरली और कम देखा गया। मेनली जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज और स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स यूज करती थी उसकी वजह से थोड़े मोड़े कंट्रोल फायर्स देखे गए थे। कुछ कैश्यू फार्मर्स भी कंट्रोल फायर्स यूज करते थे अपने वीड को हटाने के लिए, अपने ग्रोथ में प्रोडक्शन में वीड को हटाने के लिए। फिर इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 का, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो पब्लिश करता है, उसमें गोवा को 100% क्लासिफाई किया गया है लेस फायर प्रोन एरिया में। तो इतना 34 फायर इंसिडेंट्स जो गोवा में 2021 में रिपोर्ट किया गया समर के अंदर, एक बड़ा नंबर है। इन्वायरमेंटलिस्ट इसीलिए वरीड है क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, टाइगर रिजर्व गोवा में है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट गोवा में है, तो ऐसा सडन चेंजेस आएगा तो वाइल्ड लाइफ को भी खतरा है और इन्वायरमेंट को भी चेंजेस से फर्क पड़ेगा। इंडिया में जनरल ट्रेंड देखा गया फरवरी महीना जो है एक्सेप्शनली ड्राई रहा अपना। तो IMD ने भी बताया कि कंट्री जो है 7.2 mm रेनफॉल रिसीव किया, जो कि 68% लेस है अपना जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 22.7 mm का, उससे 1901 से 6th लोएस्ट रेनफॉल ऑब्जर्व किया गया और इतना ड्राई फरवरी मंथ रहा। इन जनरल जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो गोवा में खासकर दिख रहा है। इस कंटेक्स्ट में ये फॉरेस्ट फायर गोवा में होना आपके लिए सिग्निफिकेंट इवेंट है, इसको आप क्लाइमेट चेंज वाले एस्पेक्ट में कोट कर सकते हो, फॉरेस्ट फायर वाला क्वेश्चन है उसमें लिख सकते हो, और फॉरेस्ट फायर का क्वेश्चन है उसमें इसको डेफिनेटली लिख सकते हो। अब देखिए इकोनॉमिक पेज में एक ही चीज रिलेवेंट है पढ़ने के लिए, वो ये है FHDC मीटिंग। FHDC क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये एक स्टैचुटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये पहले जान लीजिए। फिर इनको हेड कौन करता है? इनको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये बजट के बाद 2023-24 का जो बजट अनाउंस हुआ उसके बाद पहला मीटिंग है। FHDC क्या है? एक एपेक्स बॉडी है जो सेक्टरल रेगुलेटर्स यानी फाइनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं उन सबको लीड करता है इन टेकिंग चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली अचीव करना चाहता है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ विद माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वर्ल्ड पेज में कुछ पढ़ने लायक ट्रेंड है हल्का देख सकते हो, खासकर ये कि ज़ापोरिज़्हिया पावर प्लांट जो यूक्रेन में पावर प्लांट है, इसमें क्या है रशिया इसके आसपास के एरिया में रशिया ने कैप्चर कर लिया और वहां पे इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तो इस न्यूक्लियर प्लांट का सेफ्टी एक खतरा है, इसके लिए UN जो है उसका जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने एक अलर्ट रेस किया। यहाँ के सिचुएशन पे वर्ल्ड की नजर है बेसिकली। साथ ही में अपडेट यह है कि रशिया का वैगनर जो है वैगनर ग्रुप जो कि मर्सनरी ग्रुप है वहां का, वो पहले बकमूत से ईस्ट यूक्रेन से विदड्रॉ करने वाला था, अब उस प्लान को वो डिस्कार्ड कर दिया, डिच कर दिया। तो वैगनर ग्रुप क्या इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ये पावर प्लांट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से कंट्री में लोकेटेड है, ये क्या है बेसिकली, ये नाम भी देखे बोल सकते हैं ये क्या है, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अभी जापान और साउथ कोरिया का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, पिछले 12 सालों में पहली बार कोई जापानीज लीडर सियोल यानी कि साउथ कोरिया पहुंचा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दिया है, आपको एग्जाम के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, बट आप समझ सकते हो जापान साउथ कोरिया का रिलेशन जो है पॉजिटिव रिलेशन इंडिया को क्या बेनिफिट दे सकता है, ये हल्का रीड कर सकते हो। अरब लीग एक तरह का कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है बिटवीन अरब कंट्रीज जो कि हेडक्वार्टर्स है कैरो इजिप्ट में, तो ये आपसे पूछ सकता है पहला बात। अभी सीरिया जो है उसको रीएडमिट किया गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं ये जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बारे में अरब लीग के बारे में एडिशनल जानकारी जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करता है वो आप गूगल से सर्च मार के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही पढ़ना रिलेवेंट था, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।